अस्सलाम वालेकुम वरह तो कैसे हैं आप आज मैं एक नया ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आई हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टेकिंग केयर ऑफ़ द किड्स अलॉन्ग मेकिंग ऑफ़ द वीडियो इज़ रियली रियली टफ जॉब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एज रिवाइंड कंसीलर मैंने लिया है और उससे मैंने अपनी आँखों को कंसील और करेक्ट किया है फिटमी का ये मैंने प्रेसिंग पाउडर लेकर बुकी ब्रश यूज़ किया है और अपनी आँखों को प्रेपर सेट कर लिया है ब्यूटीफाई बाई आमना का ब्राउज़र लेंगे और इस शेड को मैं यूज़ करूँगी अपनी आई लैश अपनी आईब्राउज़ को सेट करने के लिए ब्रश मैंने यूज़ किया है एंगल फ्राम रियल टेक्निक्स और एज़ यू गाइज कैन सी कि मैं आईब्राउज़ ब्राउज़ प्लक नहीं कराती तो इनको सेट करना और थोड़ा सा प्रजेंटेबल दिखाने के लिए आ, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिटमी का कंसीलर इन शेड मीडियम ट्वेंटी फाइव ये अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे कोई सा भी ब्रश यूज़ करें या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं बात करते हैं इस खूबसूरत पैलेट की जो कि है गोल्डन हनी फ्रॉम मेकअप ऑब्सेशन इसके कलर बहुत ही पिगमेंटेड और ख़ूबसूरती से अप्लाई होते हैं पैची नहीं हैं और बिल्डेबल हैं आप थोड़ा सा लेकर इसको बिल्डअप करें यहाँ पे मैंने टेन मी शेड यूज़ किया है और उसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ टू इन वन कभी सर्कुलर मोशन में भी क, uh, करेंगे और थोड़ा सा टू इन फ्रो भी करेंगे तो बहुत खूबसूरती से कलर आपका उभर कर आएगा यहाँ पर थोड़ा सा डीपर शेड लेंगे डीप टैन और इसको मैं ऊपर वाले शेड से थोड़ा सा लोअर साइड पे अप्लाई करूँगी फ्लफी ब्रश लेंगे और उसके मदद से आस्ता ऐसे बिल्डअप करेंगे ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा कलर उठाएंगे, बिल्ड करेंगे और ब्लेंड करेंगे मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग और खास तौर पर जब आप आइज़ मेकअप की बात कर रहे हो राइट चलें उसके बाद हम करते हैं आँखों पे मेन कलर अप्लाई जो कि है ब्लैक फ्रॉम हुदा ब्यूटी पैलेट जो कि इनका रोज एडिशन है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आई शेडो पैलेट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने हर तकरीबन हर मेकअप में मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ कोको शेड लेंगे ब्लैक कलर को सिर्फ लिड पे अप्लाई करेंगे और कोको शेड लेकर इसको बिल्ड करेंगे ख्याल रहे कि जो आपने ऊपर ट्रांजिशन शेड्स यूज़ किए हैं आपने उनको टच नहीं करना अपने ब्रश को इतना कंट्रोलेबल उसके स्ट्रोक्स रखने हैं कि वो उसी साइड पर डाउन डाउन ही रहें आपके लिड पर रहें और आप उसी को वहीं पर ब्लेंड करें अब ये जो लोअर लैश है इस पर मैं कोको कलर लेकर या कोई सा भी डीप कलर ट्रांजिशन शेड आप लेकर इसको लोअर लैश पे अप्लाई करके अपने मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे हनी बेबी शेड लेकर मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़े आला कलर्स हैं अगर आप ये पैलेट लेते हैं तो मुझे नहीं लगता वो और पैलेट लेने की ज़रूरत है क्योंकि इनके सारे शेड्स मल्टीपर्पज़ हैं अब यहाँ पे ड्रॉप लाइक इट्स नॉट कलर मैं लेकर अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी या एज अ हाइलाइटर भी यूज़ किया जा सकता है मस्कारा uh, में यूज़ कर रही हूँ वॉलीम मिलियन लैशेज़ फ्राम लॉरियल ये कॉम करता है आपके लैशेस को लेंथ प्रोवाइड करता है बहुत खूबसूरत लगता है ये अपनी आपकी आँखों पर लगावा और इसे जितना आप लगाते जाते हैं आपकी लैशेस उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग दिखने लगती हैं दूसरा जो मेरा फेवरेट मस्कारा है वो है गिब्रीनी का डबल वॉल्यूम ये वाकई में ही डबल वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आप, आपकी लैशेस फॉल्सिस लगने लग जाती हैं एक्वा का लाइनर लूँगी और डिफाइन लाइनर लगाऊँगी अगर आप चाहें तो स्मर्ज लाइनर भी लगा सकते हैं और इस लुक को विदाउट लाइनर भी कैरी कर सकते हैं उसके बाद अपनी ट्रांजेक्शन शेड को दोबारा से एक बार फ्रेश कर लें और ये लें जी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें टेक केयर अल्लाह हाफि बाय बाय